दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। इस वक्त हमें ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट और वेगा स्ट्रीट के सामने और बगल में अमोलिक भी है। चौड़ा रोड था लेकिन रोड के रास्ते में कुछ निर्माण बाधा बन रहे थे और ऐसा लगता था कि यहाँ पर रोड अगर चौड़ा नहीं बनेगा तो काफ़ी दिक्कत होगी और आने वाले टाइम में ट्रैफिक जाम रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, उधर से डीपीएस चौक से और बीपीटीपी पुल से ये रास्ता ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट तक आता था। ये देखिए सामने ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट है और इधर वेगा स्ट्रीट है, तो यहाँ पर ये रोड जो है बिल्कुल पतला हो जाता था क्योंकि यहाँ पर कुछ ढाबे बने हुए थे, कुछ निर्माण बने हुए थे, तो थोड़ा सा रास्ता बचता था। ये देखिए थोड़ा सा रास्ता बचता था और यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता था। ये देखिए बिल्कुल पतला सा रास्ता यहाँ पर बनता था, लेकिन आज यहाँ पर बुलडोज़र चल गया है जो रोड के सामने निर्माण बने हुए थे, यहाँ पर कुछ ढाबे वगैरह बने हुए थे, तो यहाँ पर आज बुलडोज़र चल गया। ये देखिए बुलडोज़र चल रहा है, ये देखिए, तो यहाँ तोड़फोड़ हो गई है। जो ढाबे वाबे यहाँ पर बने हुए थे उस सब को तोड़ दिया गया है और हो सकता है यहाँ पर कंपेंसेशन दिया हो, ज़मीन को ख़रीदा हो प्रशासन ने, क्योंकि बगैर ज़मीन खरीदे तो तोड़ फोड़ संभव नहीं है, तो हो सकी। ठीक है भाई, हाँ, तो पैसा तो दिया होगा, है जी, पैसा तो दिया होगा, पैसा तो दिया होगा ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मुआवजा दिया होगा नहीं, अभी नहीं मिला। तो किस शर्त पे तोड़ा है, कुछ है पता? केस चल रहा था, इस पे केस हार गया, वो हाई कोर्ट में डाला था। किसने, कौन हार गया, ये जमीन वाले? हाँ, वो हमारे घर में से। अच्छा, जमीन थी ना आपकी जो है रजिस्ट्री वगैरह, तो कैसे तोड़ दिया फिर ऐसे? वो मीडिया वाले आए थे, वो दूसरी मीडिया वाले थे। अच्छा अच्छा, रोड में आ रहा था। हाँ, रोड के बीच में तो आ ही रहा था। चलो, पैसा मिलेगा ना मिले तो बताना। हाँ वो तो है, नुकसान तो हो गया, सही बात। चलो ठीक है भाई, अब क्या बताएं, तो प्रशासन का बुलडोज़र है, कोई नहीं, नुकसान भी भरपाई हो जाएगी, आप लिख के दे देना। तो दोस्तों, यहाँ पर रोड बनाना चाहता प्रशासन, तो यहाँ पर जो भी निर्माण थे उनको तोड़ा गया। भैया का कहना है काफ़ी नुकसान भी हो गया है और हाई कोर्ट में केस चल रहा था जिसमें ये इनके पक्ष में डिसीजन नहीं आया, तो प्रशासन ने तोड़ दिया, लेकिन कह रहे हैं मुआवजा नहीं मिला है अभी तक। अब देखते हैं मुआवजा कब मिलता है, लेकिन ये रोड सीधा बन जाएगा तो ट्रैफिक जाम यहाँ पर नहीं हो पाएगा और इससे थोड़ा सा डेवलपमेंट भी काफ़ी दिखेगा। देखो, सीधा सीधा रोड बन जाएगा चंदीला चौक तक, यानी डीपीएस चौक से चंदीला चौक तक सीधा रोड बन जाएगा, तो यहाँ पर जो है ट्रैफिक जाम भी नहीं होगा और थोड़ा सा डेवलपमेंट यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट है और वेगा स्ट्रीट है। अभी बगल में वो देखिए अमोलिक भी आ गया है। तो दोस्तों, आपको अपडेट देते रहेंगे, जब ये रोड बन जाएगा तब भी आपको दिखाएंगे और जब इन भाइयों को मुआवजा मिल जाएगा और हमें सूचना दी जाएगी तो हम वो भी दिखाएंगे आपको। फ़िलहाल यही अपडेट देनी थी कि अब यहाँ पर रोड बनेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम बची थी और ट्रैफिक जाम लगता था, बड़े बड़े गड्ढे भी थे। अभी रोड बन जाएगा तो ठीक हो जाएगा। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।